हेलो एवरीवन, दीक्षा लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। भिन्नों का जोड़ करने के लिए हम सबसे पहले उसके हरों पर ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अंश कौन सा है और हर कौन सा है। जो ऊपर वाला पूर्णांक है इसको अंश कहते हैं, नीचे वाले पूर्णांक को हर कहते हैं, ठीक है। अब इसके पहली भिन्न का हर है दो, दूसरी भिन्न का हर है दो, यानी कि समान हर है। इसका जोड़ करने के लिए सीधे से हम जो समान हर है दोनों के वो एक बार दो लिख दिया, ठीक है। फिर इसके अंशों को जोड़ देते हैं, 4 + 5 जो कि होता है 9/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। घटाना में देख लीजिए, आपके हर असमान दिए गए हैं, 5/6 - 3/4। जब भी हर असमान हो तो हम इनके असमान हरों का लासा ले लेते हैं। 6 और 4 का लासा होता है 12, ठीक है। फिर हम 6 जो कि हर है इससे 12 में भाग देंगे, जो कि जाता है 2 बार। अब इसी 2 से हम अंश 5 में गुणा करते हैं, जो कि होगा 5 × 10। फिर माइनस, अब इस हर से, दूसरी भिन्न के हर से हम 12 में भाग देंगे, 4 से 12 में भाग देंगे जाएगा 3 बार। अब इसी 3 से हम अंश 3 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 3 × 9। 10 में से 9 गया 1/12, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब गुणा देख लेते हैं। गुणा में हमें अंश और हर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है कि किसका एलसीएम लेना है या नहीं, ठीक है। हम अंश का अंश में गुणा कर देते हैं, हर का हर में गुणा कर देते हैं। 5 का 3 में गुणा करने पर आएगा 15, 6 का 2 में गुणा करने पर आएगा 12। ये हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5/4 यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भाग में दिया है 2/4 भाग 3/6। अब भाग करने के लिए हम सबसे पहले भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं। जब भी भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा तो पीछे वाली भिन्न पलट जाती है। देखिए कैसे, 2/4 जो पहली भिन्न है वो जैसी की तैसी ही लिख देते हैं, फिर भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं, फिर दूसरी जो भिन्न है वो पलट जाती है। तो 6/3 यानी कि जो अंश था वो हर बन गया, जो हर था वो अंश बन गया। फिर आप गुणा का चिन्ह जानते ही हैं, जब भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12, 12 × 12 एक बार में जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग अच्छे से सीख लिया होगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।